का धोनी अभी ठीक करा मैंने। गाइस देखिए इन्हें, ये जॉनी के साथ में घोड़ा गाड़ी खेल रहे। एक को देखो, एक को तो बस इसको चाहिए इधर से उधर आफत। ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये ना इसका मैंने धो दिया था, इसकी जो कॉटन वोटन सब निकाल के तो इसको फिर से फिल करके फिर दिया है, इसको नया जोनी बना दिया इसको, है ना, नया जोनी बन गया ना। हाँ मम्मा ने इसको नहला दिया था ना, बारिश में। हाँ बारिश में नहाया था ये, देखो इसे भी से पकड़ना पड़ता है। नहीं मैं नहीं, नहीं। खाना खा लिया आपने? खाना खा लिया? अच्छा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सालू कटारिया व्लॉग, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना व्लॉग। टाइम हो चुका है, दोपहर के 12 बज चुके हैं और समिक्स ये रहा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया मेरे दोनों बच्चे बस अब आफत मचा रहे हैं। तो काम मेरा लगभग सब हो चुका है गाइस, और अब मैं इसको लेके लेटू मैं अपनी कॉफी बना के ले आई हूँ, क्योंकि पता नहीं कि कुछ दिनों से ना मतलब रोटी खाने का मन तो होता नहीं, खाना वाना खाने का सिर्फ मन करता है या तो सब्जी खा लो या कुछ लिक्विड पी लो, ऐसा मन कर रहा है बस। तो अब फिर मैंने कॉफ़ी बनाई है तो मैं कॉफ़ी पीऊँगी और इसको लेके लेटूंगी, जो छोटे वाला बेटा है, और बड़े वाला वो नीचे जाएगा अपनी बुआ के पास में। तो बस अभी तो यही है, इनकी ऐसे ही चलती रहती है। तो बस अभी मैं मशीन का थोड़ा सा काम करके आई हूँ, स्टिचिंग का थोड़ा सा रह रहा था, इसको इसका जो ये जो नहीं है टैडी है इसको स्टिच करना था, ये जगह जगह से वो हो रहा था, फट रहा था। और एक और चीज़ थी वो भी स्टिच करनी थी, तो दोनों काम मेरे लगभग हो चुके हैं। अब मैं आई हूँ रूम में और अब मैं इसको लेके लेट जाऊँगी छोटे वाले को, तो मैं मिलूँगी आपसे उसके बाद में जो हम सो के उठ जाएंगे। मैं तो सोऊंगी नहीं क्योंकि मेरे को नींद ही नहीं आती, मैं फ़ोन में ही टाइम अपना काट देती हूँ। तो देखते हैं इसको सुलाते हैं, अभी तो ये सो के उठा है, इसको एक टाइम हुआ अभी सो के उठे हुए, तो देखते हैं दोबारा सो जाएगा शायद। तो अभी चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। तो गाइस टाइम हो चुका है इवनिंग के 4:30 हो रहे हैं और हम लोग सब उठ चुके हैं। क्या सोए, तो मैं तो सोती ही नहीं, खैर दो कभी मोस्टली कोई एक ऐसा दिन जाता है जिस दिन सोती बस पहुँचने के उसको भी। तो बस जो छोटे वाला लड़का है वो भी नीचे जा चुका है, उसने भी पोटी कर दी थी, फिर समीक्ष आप दोबारा अब उसने पोटी करी, तो बस अब वो भी गया नीचे। अब जैसे ही वो ऊपर आया फिर मैंने कहा आज आपने क्या क्या पढ़ा है वो सुनाओ पहले, तो वो सुना कर गया सारी चीज़ें, वो मेरे को रोज़ बताता है, मैं जब उससे पूछती हूँ कि आज क्या क्या पढ़ा है फिर वो सब उससे रिपीट रिवीजन के जैसे रिवीजन हो जाता है बच्चे का, ऐसे रोज़ मैं उससे सुनती हूँ जब भी वो मेरे पास आता है, आता ज़रूर है वो मेरे पास ऊपर, तो मैं जब भी आता है जब भी उससे सुन लेती हूँ ताकि बच्चे को भी माइंड में रिपीट रहे कि हाँ मैंने ये पढ़ा है। और वैसे भी पूछते रहना चाहिए, अच्छी बात होती है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या कर रहा है, भले अगर तुम नहीं पढ़ा रहे, जैसे मैं हूँ मेरे पास छोटा वाला लड़का रहता है मेरे पास, तो मैं उसको नहीं पढ़ा पाती, जैसे अभी ये टाइम है तो इस टाइम पे वो नीचे पढ़ता है अपनी बुआ से, बुआ पढ़ाती है उसकी, तो मैं उससे वो जब भी मेरे पास ऊपर आता है मैं उससे जब भी पूछती हूँ कि आज क्या पढ़ा है मुझे सुनाओ ऐसे से, फिर मैं उससे सुनती हूँ। तो बस अब वो नीचे चला गया है तो अब वो बाहर जाकर खेलेंगे। दाल मैंने भिगो दी है, खाने में बनेगी आज उड़द चने की दाल, तो वो मैं भिगोई हुई हूँ क्योंकि उसको टाइम लगता है फिर भीगने में, गर्म पानी भी नहीं करा मैंने आज, तो टाइम भी काफ़ी था, अभी 4:30 हुआ है तो मैंने इसलिए भिगो के रख दी कि इतने खाना बनाने का टाइम आएगा इतने अच्छे से भीग जाएगी। तो बस भिगो दी है उड़द चने की दाल और शाम को बनाएंगे फिर आपको दिखाएंगे।
तो जब तक के लिए मिलते हैं आपसे, कर लेती हूँ ये सारा रूम समेट लेती हूँ। ये देखिए, और मैं अपने कप में ना, आपको दिख रहा होगा वो कप रखा हुआ वहाँ पे, मैं उसमें लाई थी ब्लैक कॉफ़ी अपने लिए बना के कि दोपहर में पीऊँगी। थोड़ा सा मेरे को ऐसे ही लग रहा था, और वैसे भी मैं लिक्विड आजकल कुछ ज़्यादा ही पी रही हूँ, चाय हो कॉफ़ी हो कुछ भी हो, तो वो चीज़ मैं ज़्यादा ले रही हूँ, तो बस मैं वही लाई थी। बट मेरे से पी नहीं गई, पता नहीं है क्या हुआ, एकदम से अजीब सा लगने लग गया, थकान ज़्यादा हो रही थी शायद, तो फिर मैंने वो उठा के रख दी। अब मैं बाद में ही पीऊँगी बना कर, फिर से बनाई रही अब इसको तो शायद। तो बस, और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो कप है ना, ये दो कप है, ये देखिए, ये है मिसेज ऑलवेज राइट। तो ये कप मुझे दिए थे जो मेरा छोटे वाला भाई है, उसने दिए थे हमें गिफ्ट में, एक मिस्टर राइट था एक मिसेज ऑलवेज राइट के नाम से, दो कप थे ये कपल कप, ये मेरे भाई ने हम दोनों को गिफ्ट किए थे, मुझे और अपने जिया जी को। तो उनका तो रखा हुआ है, मैंने अपना निकाला हुआ है कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए। तो बस अब तक तो मेरे कपड़े पड़े हैं, कपड़े मैं उतार के ले आई हूँ, जींस रह गई है, जींस उनकी टी शर्ट उनकी, तो वो भी जल्दी सूख जाएंगे, तो उन्हें दो वो भी जल्दी सूख जाएगी, तो उन्हें भी फोल्ड करके अलमारी में रख दूँगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे बाद में। ये देखिए, दाल हमारी बन चुकी है उड़द चने की। अब मैं इसमें छौंक लगाऊंगी, छौंक सिंपल सा लगाऊंगी, वो भी आपको दिखा दूंगी अभी। तो गाइस देखिए, दाल बन चुकी है, आटा भी लग चुका है, किचन भी पूरी क्लीन हो चुकी है। तो बस अब हम आएंगे जब रोटी डालेंगे बाद में, अभी चलते हैं। तो गाइस देखिए, टाइम हो चुका है 6:45 हो रहे हैं, 5:45 हो रहे हैं अभी, तो मैं दाल रखे आई हूँ बनाने के लिए। तो बस अभी दाल बनेगी, इतने किचन के जो थोड़े बहुत बर्तन हैं वो धीरे अपना क्लीन कर दूँगी, साफ करके जब मैं करती हूँ वॉश करके, तब मिलती हूँ आपसे बाद में। तो गाइस कॉफ़ी मैं पी चुकी हूँ, और तभी थकान से थक गया, बैठे हुए बहुत बोर हो रही हूँ, क्योंकि मेरे को जब कुछ काम करना होता है ना, तो मैं बहुत जल्दी काम सोचती हूँ करने की। अब रोटियाँ डालनी रह रही हैं, तो अभी इसमें बहुत टाइम है, अभी तो 7:00 पूरे इवनिंग के। तो अब मैं जा रही हूँ दिया जलाने, आज मैं पूजा कर लूँगी, तो मैं आज जा रही हूँ पूजा कर लेती हूँ, फिर ऊपर दिया जला कर आती हूँ। जब जाकर देखते हैं, अगर हस्बैंड आ गए तो रोटियाँ बना लूँगी, अगर नहीं आए तो अभी नहीं बनाऊँगी, थोड़ा रुक कर ही बनाऊँगी, क्योंकि फिर जल्दी बन जाती है ना, तो थोड़ा ठंडी हो जाती है रोटियाँ, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि उनके आने से थोड़ी देर पहले ही बनाना स्टार्ट करूँ। और वैसे भी हमारे घर में ना फिर इकट्ठी सबकी ही रोटियाँ बनती हैं, तो इसीलिए कि आप भी चलिए मेरे साथ पूजा करने के लिए, सही बात है ना, थोड़ा पुण्य आप लोग भी कमाइए। चलिए, तो देखिए सब बच्चे घर में आ चुके हैं, क्योंकि 7 बज चुके हैं, और देख मौसम देख के लग भी नहीं रहा हो कि 7 बज गए हैं इवनिंग के। और ये कपड़े भी सूख चुके हैं, मैं कपड़े भी उतार लेती हूँ।
तो ये कपड़े भी सूख चुके हैं, और जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि अभी इवनिंग के 7 बज चुके हैं, बट लग नहीं रहा बिल्कुल भी कि 7 बज चुके हैं अभी इवनिंग के। तो बस अब मैं जला ही देती हूँ दिया, वरना बहुत टाइम हो जाएगा। गाइस देखिए मैं दिया भी जला के आ चुकी हूँ, उन पर भी हो आई हूँ, सब पर भी, वहाँ भी दिया जल चुका है, तुलसी में भी, तुलसी में। तो अब मैं फिर से बोर हो गई, इसलिए मैं फिर से आप लोगों का दिमाग खाने के लिए बैठ गई हूँ। तो चलिए बैठते हैं थोड़ी देर, वैसे टाइम होने वाला है मेरा भी, 7:05 हो चुके हैं इवनिंग के, तो बस थोड़ी सी देर और रुकूंगी, फिर उसमें मेरा जा रही होती खाने के लिए, वरना तो ज़्यादा लेट हो जाएगा। बेड भी मैं ठीक कर चुकी हूँ, इधर से कपड़े भी उठा चुकी हूँ, सब फोल्ड करके मैंने अलमीरा में रख दिया। तो आपको लग रहा होगा कि मैं पागल हूँ, हाँ मैं पागल ही हूँ, पागलों जैसी हरकतें कर रही हूँ मैं। इसको कहते हैं बोर होना, बोरिंग डे। वो एक वीडियो है ना सैना की, सच अ बोरिंग डे, सच अ बोरिंग पीपल, वही काम हो रहा है आज, थोड़ा बोरिंग सा है मुझे तो लग रहा है, आप लोगों को भी लग रहा है ऐसा, आज बोरिंग डे है। अगर बोरिंग लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग भी बोर हो रहे हो आज के दिन। तो बस, एंड आज भी एक सेकंड रुकिए, और गाइस मैं आपको एक और बात बताती हूँ, आज है 24 जून, कल है 25 जून, जब आप ये ब्लॉग देखोगे तो 25 जून होगी, एंड उसके नेक्स्ट डे 26 जून कुछ स्पेशल दिन है। वो क्या स्पेशल है वो आपको उसी दिन बताऊंगी मैं, आप भी कह रहे हो तो फिर बोली करिए कि स्पेशल है, आप जब उसी दिन बताना तो उसी दिन बताऊंगी। मेरे लिए स्पेशल है, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ दिखाती हूँ, उससे रिलेटेड ही है, अगर जो मेरे फैमिली मेम्बर वगैरह जो भी होंगे, फ्रेंड्स वगैरह, वो समझ जाएंगे, और बाकी तो मैं आप लोगों को उसी दिन बता दूंगी। मेरी खुशी का राज उसी दिन का ही है, मैं आपको बस एक हिंट देती हूँ, ठीक है, एक हिंट देती हूँ बस, ये हिंट है, इससे ही रिलेटेड कुछ है, जो मेरे फैमिली मेम्बर है वो तो समझ जाएंगे, कोई कोई समझेगा क्योंकि किसी किसी को याद भी नहीं है, इनफैक्ट हम भी भूल जाते हैं, इस बार मुझे याद है। तो देखते हैं क्या करते हैं उस दिन, 26 जून बता रही हूँ आपको, देखते हैं क्या स्पेशल होगा, वैसे कुछ स्पेशल नहीं होता पर चलो देखते हैं क्या होगा, जो भी होगा आप लोगों के साथ तो शेयर करूँगी मैं, आप तो मेरी फैमिली बन चुके हो। तो चलिए फिर, अब मैं रोटी डालने जा रही हूँ, फूड टाइम हो चुका है, यहाँ मैं तो बातें करने बैठ जाती हूँ तो बैठ ही जाती हूँ बस। तो चलिए, एंड मेरे ब्लॉग में ज़रूर बने रहना, एंड मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़ गाइस, सपोर्ट भी कर लो, आप मेरे वीडियो देख लेते हो बट ना लाइक करते, ना शेयर करते, और ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते, ये मुझे इतना तो पता लग जाता है कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने देख रहे हैं, कितने लाइक आ रहे हैं, व्यूज़ के अकॉर्डिंग भी लाइक नहीं आते, जो भी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं, एंड मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए अब चलते हैं आगे ब्लॉग की तरफ। तो गाइज मैं ये बोल रही थी आपसे, मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं, ये देखिए आ चुके,
और ये ना मैंने चाहे कितना ही दिखा दूं, ये अपने हिसाब से एडिट करते हैं ना, तो अपने आपको कट काट ही देते हैं, और ये लाइन भी काट देंगे इतना। आप लोग ये कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरे रेसिपी के जो वीडियो वो देखने अच्छे लगते हैं या फिर मेरे ब्लॉग देखना अच्छे लगते हैं। तो जैसा भी होगा आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, फिर मैं वैसे ही रिकॉर्ड करूँगी वीडियो अपनी। अगर रेसिपी पसंद है तो मैं रेसिपी ही नई नई आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे खाना बनाने का भी बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है। जितना खाने का शौक है उतना बनाने का भी शौक है, उससे ज़्यादा ही बनाने का शौक है, नई नई चीज़ें ट्राई करने का। तो आप ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी का चैनल देखना है, अलग चैनल बनाऊँ, या फिर इसी में ही मैं ब्लॉग छोड़कर रेसिपी शूट करना स्टार्ट कर दूँ, या फिर जो ब्लॉग बन रहे हैं वही ब्लॉग बनते रहे, कंटिन्यू चलते रहे। तो ये कमेंट करके ज़रूर बताना आपने। तो गाइस देखिए, किचन में पूरी क्लीन कर चुकी हूँ, रोटियाँ बन चुकी हैं, रोटियाँ भी मैंने बना दी, दिखाती हूँ ये देखिए रोटियाँ भी बन चुकी हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि काम मेरा सब हो चुका है, रोटियाँ भी बन चुकी हैं, खाना सिर्फ अभी समीक्ष के पापा ने खाया, अभी और किसी ने नहीं खाया है। तो अब मैं बस अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।